नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 3 सेशन में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाएं, आपका प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए, आपका कवर पिक कैसा होना चाहिए, बायो, हाउ टू राइट बायो, बायो को कैसे लिखें ताकि आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल दिखे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड कैसे बनाएं, अट्रैक्टिव और इंगेजिंग पोस्ट कैसे बनाएं, और कंटेंट क्रिएशन मास्टरी के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि शेयरेबल कंटेंट कैसे बनाएं, 5 ways to publish योर कंटेंट, यानी 5 तरीके जिसकी मदद से आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं, और 9 आइडिया जिससे आप अपने लिए कंटेंट बना सकते हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड कैसे बनाएं। ब्रांड्स का मतलब होता है ट्रस्ट और इमोशन। उदाहरण के तौर पर टाटा के प्रोडक्ट को खरीदते वक्त लोग ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि टाटा के प्रोडक्ट पर उनको भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है क्योंकि वह एक ब्रांड है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे 5 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बना सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ। पहला, योर पोस्ट शुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग, न्यू और एक्साइटिंग। आपके पोस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे लोग आपके पोस्ट को पढ़ना चाहें। कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट यानी डाटा और फैक्ट से संबंधित पोस्ट होना चाहिए ताकि लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़े। न्यू यानी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसे पोस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट को देखेंगे और शेयर करेंगे, जो कि आपको सोशल मीडिया पर ब्रांड बनाने में मदद करेगा। एक्साइटिंग यानी जिससे लोग जानने के लिए उत्सुक हो, जैसे 10 सेकंड में गुस्सा पर काबू कैसे पाए। अगर आप इस तरीके कंटेंट डालते हैं तो लोग आपके पोस्ट को पूरा पढ़ेंगे। दूसरा है, योर पोस्ट मस्ट हैव एन इंटेंशन ऑफ एडिंग वैल्यू इन योर व्यूअर। आपके पोस्ट से आपके व्यूअर के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए, उनका पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए। तीसरा, फोकस ऑन क्वालिटी पोस्ट नॉट क्वांटिटी। यह मायने नहीं रखता कि आप दिन में कितना पोस्ट करते हैं, मायने यह रखता है कि आप कितना क्वालिटी पोस्ट करते हैं। डेली 1-2 पोस्ट ही करें लेकिन वो क्वालिटी पोस्ट होना चाहिए। उस आपके पोस्ट से लोगों के जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ उनको जानकारी मिलना चाहिए। चौथा है, डोंट ओवर सेल योर बिजनेस। सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस का अधिक प्रमोशन न करें। एक रूल याद रखें, 4:1, यानी 4 value-adding posts डालना है तब एक बिजनेस का पोस्ट। वैल्यू एडिंग पोस्ट में मोटिवेशनल पोस्ट हो सकता है, एजुकेशनल पोस्ट हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट हो सकता है। 4 posts डालना है वैल्यू एडिंग का और 1 post डालना है आपके बिजनेस प्रमोशन का। पांचवा है, डोंट गिव डायरेक्टली मीटिंग लिंक ऑन पोस्ट। कभी भी अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन और बिजनेस मीटिंग का लिंक अपने पोस्ट पर डायरेक्टली ना डालें, इसे पर्सनली रखें। बहुत लोग गलती करते हैं और जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग का लिंक डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। ऐसा ना करें, जो लोग इंटरेस्टेड हैं केवल उन्हीं को अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन का लिंक या बिजनेस मीटिंग का लिंक शेयर करें। अगर आप बार बार सोशल मीडिया पर अपना लिंक सेंड करेंगे तो लोग उसका वैल्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएटिंग इंगेजिंग पोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना पोस्ट कैसे डिज़ाइन करें। सबसे पहला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अपने पोस्ट को छोटा और साधारण रखें ताकि लोग इंटरेस्ट के साथ उसे देखें और पढ़ें। दूसरा, यूज़ इजिली रीडेबल फॉन्ट। ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल करें जो विजिबल हो और उसे आसानी से रीड किया जा सके। तीसरा, डोंट यूज टू मैनी कलर्स। ज़्यादा कलर का इस्तेमाल ना करें, 3-4 परफेक्ट कलर का इस्तेमाल करके अपना बेहतर पोस्ट को डिज़ाइन करें। चौथा है, यूज सिंपल एंड सपोर्टिव बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को सिंपल और सपोर्टिंग रखें ताकि आपका कंटेंट आसानी से विजिबल हो। पांचवा, यूज फोटो एडिटिंग एंड पोस्टर मेकिंग ऐप, जैसे कैनवा हुआ, थंबनेल मेकर हुआ। अगर आप लोग कैनवा और थंबनेल मेकर से अट्रैक्टिव और इंगेजिंग पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। छठवा है, पोस्ट ऑन पिक एंड राइट स्मॉल कोट्स। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन मास्टरी। कंटेंट क्रिएशन मास्टरी मतलब अपने कंटेंट को कैसे लिखना है, कंटेंट आइडिया कहाँ से लाएं, अपने कंटेंट को कैसे पब्लिश करें। आपके कंटेंट में इन 2 में से 1 चीज़ होना कंपलसरी है। सबसे पहला, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।
कोई रोचक जानकारी जिससे लोगों को कुछ ज्ञान मिले या कुछ इंटरटेनमेंट हो, जैसे फैक्ट बेस्ड कंटेंट, डाटा बेस्ड कंटेंट। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, आपका पोस्ट से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होता हो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले मार्केट के प्रॉब्लम को फाइंड करिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए। लोग आपके कंटेंट को सिर्फ दो वजह से पढ़ना, देखना और सुनना चाहते हैं। सबसे पहला एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कपिल शर्मा का शो आप क्यों देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। म्यूजिक आप क्यों सुनते हैं, डांस आप क्यों देखते हैं, जैसे कैरी मिनाटी हुए, अमित बड़ाना हुआ, लोग इनके कंटेंट को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। और दूसरा होता है एडुटेनमेंट, यानी कुछ सीखने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्ज्वल पाटनी, संदीप महेश्वरी सर, इन सब लोगों का कंटेंट हम लोग एजुकेशनल पर्पज के लिए देखते हैं। पांच तरीके जिससे आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला पोस्टर के रूप में, अपने कंटेंट को पोस्टर के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा इन्फोग्राफिक्स के रूप में, इन्फोग्राफिक्स मतलब इन्फो प्लस ग्राफिक्स, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन यानी टेक्स्ट के, और ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर के रूप में, टेक्स्ट और पिक्चर के कॉम्बिनेशन को हम लोग इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। तीसरा वीडियो के रूप में। चौथा पॉडकास्ट यानी ऑडियो के रूप में, जैसे hindiaudiobook.com हर किताब को रीड करके यानी ऑडियो के रूप में पब्लिश करते हैं। पांचवा ब्लॉग्स या आर्टिकल्स के रूप में, आप अपने कंटेंट को ब्लॉग्स या आर्टिकल के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। इन पांच तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। अगला है कंटेंट आइडिया कहाँ से लाएं। सबसे पहला योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आपके पास जो ज्ञान और जो अनुभव है लोगों को शेयर करना शुरू कर दें। सबसे पहला कंटेंट आइडिया आपको यहीं से मिल जाएगा। दूसरा है गूगल एंड यूट्यूब। गूगल और यूट्यूब से भी अपने कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं। तीसरा बुक्स, आप जैसा कंटेंट चाहते हैं उस तरीके का किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। चौथा ब्लॉग्स, ब्लॉग से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, उससे भी आप अपने लिए कंटेंट ढूंढ सकते हैं। पांचवा सोशल मीडिया से, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टम्बलर हुआ, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट है जहाँ से आप अपने लिए कंटेंट ढूंढ सकते हैं और कंटेंट का नया नया आइडिया ढूंढ सकते हैं। छठवा ट्रेनिंग सेशन और सेमिनार, आप जिस कंपनी में वर्क करते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग और सेमिनार तो होता ही होगा, आपको ट्रेनिंग में सेमिनार में जो बातें अच्छी लगे उसको अपने कंटेंट का रूप दे सकते हैं। अगला है ट्रेंडिंग टॉपिक, जो अभी नया नया टॉपिक चल रहा है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर आप अपने लिए कंटेंट बना सकते हैं। अगला हुआ कोरा से, कोरा से भी आप अपना कंटेंट आइडिया ढूंढ सकते हैं, अपने लिए कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फ्रॉम योर व्यूअर, आप अपने व्यूअर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका आंसर ले सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लोगों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कि फेसबुक से ज़्यादा लीड कैसे प्राप्त करें, टॉप 3 आइडिया फॉर जनरेट 10 to 50 लीड डेली। मैं आपको 3 टॉप आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप फेसबुक का इस्तेमाल करके प्रतिदिन 10 से 15 लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारा नया और पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।